हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ। एक भाई का मेरा मेल आया हुआ था और कमेंट भी किया हुआ था कि भाई मुझसे कैमरे के सामने कुछ बोला नहीं जाता, आप इतने अच्छे तरीके से क्यों बोल लेते हैं और कैसे बोल लेते हैं अच्छे से, आप तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल सकते हैं, मैं ही क्यों बहुत सारे यूट्यूबर को बोल लेते हैं अच्छे तरीक़े से और उनको कंसल्ट कराते हैं, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने बोलने जाता हूँ तो मुझसे बोला नहीं जाता, आखिर क्या वजह है दोस्तों? दोस्तों आपको सिर्फ एक कारण है कि आप जब भी कैमरे के सामने जाए तो सबसे पहले आप जितना भी डर, झिझक, शर्म सब चीज़ दूर करें और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें, लोग क्या कहेंगे। इस पर सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि हम लोग को माइंड डिस्टर्ब, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई मेरे, लोग क्या को कहना ही काम है, आप बस चलते जाएं। उस पर देखिएगा लोग, जिस लोगों ने आपको, आप जिस भी काम पर कर रहे हो हंस रहे हैं, वही लोग बाद में आपके लिए तालियां बजाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। बस आपको एक काम करना है और वो काम है हमेशा के लिए काम को करते जाना। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, सबसे पहले आप अपना एक टॉपिक बनाएं, टॉपिक पर अपना उस पर पॉइंट वाइज करें और उसको आप रोजाना बोलने के लिए कैमरे के सामने या शीशे के सामने उसे कोशिश करते जाएं, रोजाना बोले प्रैक्टिस करते जाएं। देखेगा भाई आप मात्र कम से कम एक सप्ताह से लेकर 15 दिन तक अंदर आप लोग वो कॉन्फिडेंस आ जाएंगे कैमरे के सामने बोलने वाले। मुझे भी पहले कुछ भी नहीं बोलना आती थी दोस्तों, लेकिन फिर मैंने ये काम को प्रैक्टिस धीरे धीरे करता गया और मैं आपके सामने अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ। तो दोस्तों आप यदि कैमरे के सामने अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी टॉपिक को रिसर्च करें और उस टॉपिक को बोलने की कोशिश करें। 2 मिनट बोलें, 2 मिनट के बाद उसको देखें कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह का आप बोल रहे हैं। बहुत को हकला बोलते हैं, बहुत को रुक रुक करके बोलते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना गलती करिएगा आप उतना अच्छा सीख पाइएगा, जितना जल्दी प्रैक्टिस करिएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस करते जाइएगा आप उतना अच्छा से बोलिएगा। इसलिए सबसे पहले लोग क्या कहेंगे ये मन में हटा दें, समझिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आप लोग किस तरह का आप कैमरे के सामने बोल सकते हैं या शीशे के सामने बोल सकते हैं। और यदि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस टॉपिक पर वीडियो लाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें अपने समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।